तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशिक मोनिटर 2.0। सो दोस्तों, पीएम किसान का ई केवाईसी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यहां पे सक्सेसफुली आपको नोटिस दिख रहा होगा, जैसे कि मैं कंप्लीट कर चुका हूं ई केवाईसी को और स्क्रीनशॉट पे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में देख लिया है आपने। तो यहाँ पे पीएम किसान की तरफ से जो भी ओटीपी आया है और आधार कार्ड की तरफ से जो भी ओटीपी आया है, तो मैं यहाँ पे प्रूफ के हिसाब से 2 बजे मैंने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए किसान की तरफ से जो भी मेरा ओटीपी आया है यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आधार ओटीपी भी आ गया है, तो उसको प्रूफ के हिसाब से आप लोगों को दिखा लेता हूँ और आपको डेट ऑफ टाइम भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेट भी दिखाई देने लगेगा, आज ही मैंने ये KYC कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब भी जो भी है कैसे कंप्लेंट करेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी पाएंगे। और मैं चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वीडियो जब भी अपलोड किया करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सो दोस्तों, फायरफॉक्स में आ जाना है, जैसे कि आपको क्रोम ब्राउज़र में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो फायरफॉक्स मोज़िला को यूज़ करना है, जैसे कि KYC लाइव प्रूफ आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, जैसे कि pmkisan.gov.in पे आ जाना है। ठीक है, तो आधार और ओटीपी यहाँ पे आप मोबाइल से भी खुद से ही कर सकते हो, कोई भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, जैसे कि पॉपअप मैसेज मिलने वाले हैं आपको सक्सेसफुली KYC डन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सक्सेस कर लिया है, तो आपको अभी मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कैसे आप मोबाइल के थ्रू ही आप घर बैठे ही आप KYC को कंप्लीट करा सकते हैं। सो दोस्तों, KYC कराने के लिए मोज़िला फायरफॉक्स में आ जाना है और KYC ऑप्शन में क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। और आशिक मोनिटर 2.0 चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, जो भी वीडियोस बनाता हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही वीडियोस ही आपको मिलने वाला है। बहुत दिनों से आप KYC कंप्लीट नहीं करा पाते थे और लास्ट डेट है 31 जुलाई। ठीक है, तो इस समय आपको KYC कंप्लीट करा लेना चाहिए। जैसे कि मैं आधार नंबर डाल दिया और यहाँ पे मेरा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको मैं डालूँगा यहाँ पे। तो मैंने रजिस्टर नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप सब भी जो भी यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा इनवैलिड आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी KYC कंप्लीट हो चुका है, तो आपको दिखाने के लिए ये सब किया हूँ। ठीक है, आपको प्रूफ के हिसाब के दे दिया हूँ और KYC आप इसी तरह से कंप्लीट करा सकते हो।